So the question is, a fuel has following analysis by mass. तो जो फ्यूल के एनालिसिस गिवन है वो मास के फॉर्म में गिवन है, 85% कार्बन, 12.5% हाइड्रोजन एंड 2% ऑक्सीजन एंड रेसिड्यू इज 0.5%. अब द ड्राई गैस हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, यानी फ्लू गैस कंपोजिशन है वॉल्यूम के फॉर्म में गिवन. तो जाहिर से बात है यहां हमें बाद में कन्वर्जन करना पड़ेगा, एक का एनालिसिस मास में है और एक का एनालिसिस वॉल्यूम में है, तो कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी. और जो वॉल्यूम में गिवन है 9% कार्बन डाइऑक्साइड, 1% कार्बन मोनोऑक्सी एंड ऑक्सीजन 7.77% एंड नाइट्रोजन 82.23%. फाइंड एयर फ्यूल रेशियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करते हैं, जो मिनिमम एयर रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर लेते हैं. तो मिनिमम एयर रिक्वायर्ड, उसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, वह है 100/23, ये है 8/3 कार्बन इंटू सॉरी प्लस में है यहाँ पर, प्लस 8H2 प्लस सल्फर माइनस O2. तो वैल्यू रख देते हैं 100/23 और 8/3 कार्बन हमारे पास है 85%, तो ये हो जाएगा 0.85 प्लस 8H2 और हाइड्रोजन हमारे पास है 12.5, तो ये हम रख देंगे 0.125 और प्लस सल्फर 0 है और ऑक्सीजन जो अवेलेबल है वो कितना गिवन है 2%, तो ये हो जाएगा -0.02. ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14.1 kg. ठीक है, जो कंपोजिशन गिवन है उसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत है. तो चलिए, जो कंपोजिशन हमें वॉल्यूम में गिवन है हम उसको अब मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम बना देते हैं टेबल, उसका टेबल बना के ही हम उसे कंपोजिशन कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट कॉलम में हमें क्या करना होता है, कॉन्स्टेंट रखना होता है. तो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर हम रख रहे हैं कॉन्स्टेंट में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO, O2 एंड N2. अब अगले में क्या करना है, जो वॉल्यूम गिवन है उसका वो लिखना है कॉलम टू में. तो वॉल्यूम जो हमें गिवन है वो है 0.09, 0.01, पॉइंट ये हो जाएगा 0.777 और ये हो जाएगा हमारे पास N2 है 82, तो 0.8223. अब कॉलम थ्री में हमें रखना पड़ेगा यहाँ मॉलिकुलर मास इसका. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास 44, कई बार मैं आपको बता चुका, इसका होगा 28, ऑक्सीजन का 32, नाइट्रोजन का 28. अब कॉलम फोर जो पता करते हैं हम, सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्रोपोर्शनल मास का होता है. तो ये आ जाएगा 3.96, 0.28 एंड 2.49 और ये है 23.02. अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, एडिशन भी करना होता है ना प्रोपोर्शनल मास का. तो यहाँ समेशन फोर कितना आएगा हमारे पास, फोर कॉलम जो लिखा है उसका नाम है 29.75. अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल मास आ जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें फोर जो पता करना होता है उसमें 2 और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम 2 से, और सॉरी इसमें हम प्रोपोर्शनल मास पता कर चुके हैं, हमें 5 पता करना है ना. तो यहाँ पर इसको पता करने के लिए हम करेंगे 5 जो होगा वो होगा 4 अपॉन समेशन 4.
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.133 और 0.009 एंड 0.084 एंड 0.774। ये कैसे पता करते हैं? जो कॉलम फोर में वैल्यू है 3.96, इसमें हमने 29.7 ये समेशन फोर से डिवाइड किया। ऐसे ही 0.28 में 29.754 से डिवाइड, ठीक है, और ऐसे ही 2.49 में 29.75 से डिवाइड किया, तो हमें कॉलम फाइव की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसे 100 में रखना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं, 13.3 यानी 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में रख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 0.09%, ये हो जाएगा 8.4%, और ये हो जाएगा 77.4%। तो ये हमारे पास, हमने वॉल्यूमेट्रिक में इसको कन्वर्जन किया, वॉल्यूम से हमने मास में कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। तो इसको नोट करिए, उसके लोग आगे बढ़ते, चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट 1 kg ऑफ फ्लू गैस, इसका फॉर्मूला हमारे पास है 3/11 CO2 प्लस 3/7 CO। वैल्यू रखे हैं 3/11 और CO2 हमारे पास कितना आया था अभी, वो आया था 0.133, तो 0.133 प्लस 3/7 इंटू CO हमारे पास आया 0.009, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.04 kg। अब मास ऑफ फ्लू गैस पर kg ऑफ फ्यूल पता करने का टाइम आ गया, तो मास ऑफ फ्लू गैस पर kg ऑफ फ्यूल, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है मास ऑफ कार्बन इन 1 kg ऑफ फ्यूल अपॉन मास ऑफ कार्बन पर kg ऑफ फ्लू गैस। तो देखिए मास ऑफ कार्बन 1 kg ऑफ फ्यूल कितना था, वो था हमारे पास 0.85। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था ना 85% फ्यूल में, तो 0.85 अपॉन हमारे पास ये जो आया है 0.04, अभी हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21.25 kg। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए आगे ये जो टेबल है इसको डिलीट कर देते हैं, तो मैं ये टेबल हटा दे रहा हूँ। अब इसमें देखिए प्रोसीजर करीब करीब सेम चल रहा है जो भी मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज हो रही है, इसलिए सभी न्यूमेरिकल को समझना बहुत ज़रूरी है ना, और न्यूमेरिकल को एक बार लगाने से नहीं आता ये, आप एक ही न्यूमेरिकल को 2 से 3 बार जब आप लगाएंगे तो इसे डिफरेंट जो स्टेप है वो समझ में आएंगे इसमें आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए हमने ये फाइंड कर लिया, तो टोटल मास ऑफ N2 पता कर सकते हैं, टोटल मास ऑफ N2 21.25 kg ऑफ फ्लू गैस, ये हमारे पास आ जाएगा 0.774 इंटू 21.25। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16.4475 kg। तो ये तो टोटल मास ऑफ N2 है ना,
अब टोटल मास ऑफ इस एंट्री हेल्प से हम टोटल मास ऑफ एयर पता कर सकते हैं, तो टोटल मास ऑफ एयर कंटेन 6 टोटल मास ऑफ एयर कंटेन्स 16.4475 केजी ऑफ N2As. तो 16.4475 केजी में एयर कितना होगा, है ना? अगर इतना में N2 ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 100/7 इंटू 77 होता है इंटू 16.4475. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 21.36 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल. अब देखिए हमारे पास ये टोटल मास ऑफ एयर आ गया, है ना? हमें क्या पता करना है, एयर फ्यूल रेशियो, यानी एयर ऊपर रहेगा अपॉन फ्यूल. यही तो. अब देखिए एयर कितना यूज किया हमने, 21.36 केजी और फ्यूल हमने कितना यूज किया, 1 केजी ना, 1 ही केजी लेके चलने. तो ये आ जाएगा हमारे पास एयर फ्यूल रेशियो, ये हो जाएगा 21.3:1. ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया. अब देखिए कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूँ कि ये फॉर्म कैसे आता है. ये 100/7 100/77 * 16.4475. तो देखिए इसका मतलब ये है कि जो 77% ऑफ जो N2 है वो कितना है, वो है 16.4475. तो एक में कितना होगा, 16.4475/100/77. और अगर 100 में होगा तो जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर. तो देखिए यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, यानी जैसे जो कंटेंट एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें जो नाइट्रोजन है वो 77%. तो अगर एक केजी में 77% का बनता है 16.44, ऐसे ही 1 का कितना होगा, वैसे 100 का कितना होगा. इस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना? ये समझाने के लिए मैंने एक्सपेंड करके लिखा, वरना आप वही एक लाइन में उसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं आसानी से. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे जो मैंने आपको लगवा दिए. इतना न्यूमेरिकल अगर आप सफिशिएंट तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए और इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए.